अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोमा ऑफ फूड। तो दोस्तों, आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मस्त मीठे बना जो कि हम रस और कस्टर्ड पाउडर से कस्टर्ड। बनाएंगे। देखो, इसको हम बना के तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। देखो, ऐसे ही बनेगा, ये बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ था और खाने में बहुत ही मज़े का लग रहा था ये। तो चलो बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। इसको कैसे हम बनाएंगे आपको दिखाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम आधा लीटर दूध, फुल फैट दूध है ये, फुल क्रीम आई। दो रस की पैकेट ली थी, एक खोल के रख दूँ, एक अभी साबुत रखी हुई है। देखो, एक बाउल में रख दूँ खोल के, और थोड़ा टूटी फूटी ली हूँ, और ली हूँ ड्राई फ्रूट, थोड़ा का बादाम ली हूँ, और सब चीनी ली हूँ। और गैस पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई दोस्तों। कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तब उसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे। जो कढ़ाई गर्म होगी उसमें हम दूध डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा दूध बचा लेंगे ताकि उसमें हम कस्टर्ड पाउडर घोलूंगी। अब इसमें हम कस्टर्ड पाउडर घोलने चले। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर हो तो आप कॉर्न फ्लोर से भी बना सकते हैं ये डिश को। इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालें। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर तो आप कॉर्न फ्लोर डाल सकते हैं। और उसमें आप कोई सा एसेंस डालते हैं, जैसे कि केवड़ा या कि रोज वाटर, कुछ भी डाल सकते हैं। हमारे इसमें जो मिला रहे उसमें पहले से ही वनीला एसेंस रहता है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं मिला रहे हैं। तो इसको रख देते हैं साइड में। सबसे पहले चल रहे हैं हम, जो कढ़ाई में दूध डाल के रखे हैं उसमें हम शक्कर डालूंगी। शक्कर इसमें हम 3.5 चम्मच डालूंगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम 3.5 चम्मच डाल रही हूँ। अब इसको थोड़ा हम चम्मच से हिला दूंगी ताकि शक्कर हमारी पिघल जाए, यानी चीनी पिघल जाए हमारी। दूध में उबाल आ गया है। अब इसमें हम जो कस्टर्ड पाउडर घोल के रखे थे उसको डाल रहे हैं। इसको थोड़ा थोड़ा डालूंगी और मिलाते जाऊंगी चम्मच से ताकि इसमें कोई लम्स यानी गुठली ना पड़े। अब इसको ऐसे चलाते रहना है और धीमी गैस रखनी है ताकि ये इसमें से कच्चापन निकल जाए और ये अच्छे से पक जाए। देखो, दूध हमारा गाढ़ा हो गया बिल्कुल, आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखो, चम्मच से बिल्कुल कोटिंग हो गई है, ऐसे हो जाएगा तो समझो ये हो गया तैयार। अब इसको हम रख दे रहे हैं दूसरी तरफ गैस पे। इसको चम्मच से हिलाते रहेंगे और इसको ठंडा होने तक चलाएंगे। इधर हम छोटा सा भगोना रख दूँ, इसमें हम बनाऊंगी चाशनी। इसमें हम थोड़ा शक्कर डाल दे रहे हैं, 1/4 चम्मच है, 1/4 कप है ये। ऐसी कप से भर के हम पानी भी डाल दूंगी। इसको इसे थोड़ा चला दूंगी ताकि चीनी हमारी अच्छे से पिघल जाए। बस इसको थोड़ा चिपचिपी सी बनानी है चाशनी, इसमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी हमें। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई और कस्टर्ड पाउडर भी हमारा ठंडा हो गया, जो बना घोल बना कर रखी हूँ कस्टर्ड का। देखो, एकदम अभी और ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया। और ली हुई एक टिफिन, इसमें हम ये नाश जो बनाऊंगी डिश इसमें बना रही हूँ। आपके पास जो भी टिफिन हो उसमें आप बना सकते हैं, लंच बॉक्स जिसको कहते हैं। देखो, इसमें अब हम लगा दी हूँ रस को। इसको आप ब्रेड से ही बना सकते हैं, इसको रस से बना रही हूँ। इसमें देखो चाशनी डाल रही हूँ। और दोस्तों, चाशनी बिल्कुल गर्म होनी चाहिए ताकि रस हमारे पिघल जाए, नहीं तो पिघलेंगे नहीं। अगर टाइट हो जाए, अगर ठंडा रहेगा तो टाइट ही बने रहेंगे ये। देखो, चाशनी इसमें हम डाल दूंगी। अब इसमें हम जो घोल बना के रखे हैं उसको डालूंगी। इसको भी अच्छी तरह से इसमें फैला देना है। इसको ज़रूर आप बना के ट्राई कीजिएगा। रमज़ान चल रहे हैं अभी, तो रमज़ान के महीने में इफ्तार का टाइम बहुत ही मस्त लगे खाने में। इसमें हम टूटी फूटी डाल रहे हैं, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप डाल सकते हैं, जैसे कि काजू बादाम किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। इसी तरह से हम 3 लेयर इसमें बनाई थी। बस चाशनी डालना है, उसके ऊपर से भी ये घोल डालना है और टूटी फूटी डाल के उसके ऊपर फिर से लगा देना है। देखो, 3 लेयर हो गई हमारी। इसमें दोबारा से हम डाल दे रहे हैं। इसको इसे बराबर कर दे रहे हैं चम्मच से ताकि एकदम अच्छे से सेट हो जाए ये। इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख दी थी। देखो, इसमें हम 2
टूटी फूटी डालना है, इसकी जगह आप काजू बादाम डाल सकते हैं या कोई से भी ड्राई फ्रूट आपके पास जो है वो डाल सकते हैं। इसको थोड़ा हम डिजाइन बना दे रहे हैं बीच में। दोस्तों जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है वही चीज़ खाने में भी अच्छी लगती है। इसको हम थोड़ा गार्निश कर दे रहे हैं, देखो बीच में डिजाइन बना दिए हैं। इसी तरह से आप भी बना के इसको खाना और ट्राई करना कैसे लगता है। ये खाने में बहुत ही मस्त लग रहा था। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें हम आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।